मैंने तो ट्रेलर देखा है, आई थिंक द सॉन्ग साउंड्स रियली नाइस, इमोशंस में बहुत हाई है जो भी मैंने देखा, एंड अभी अंदर जाके पूरा गाना देखेंगे. एंड आई थिंक पर्ल इज़ बीन ट्राइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये गाना आए, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम इन इज करियर कि ये गाना आए और लोग उसका जो दूसरा टैलेंट है सिंगिंग वो भी देखें. एंड आई थिंक ही इज़ वर्क रियली हार्ड ऑन इट एंड वी ऑल शुड सपोर्ट हिम, विच यू गाइज आर. थैंक यू. I knew this since day one, since the time I have started shooting with him, and I was telling you know that I was actually a part of their journey, you know, of making this song, because when they have decided that this is the song, so Pearl ne mujhe 3-4 songs sunaye the, though he has recorded and written hundreds of them, but yes, then they have decided on this song, and then you know, they thought of a concept, then the entire planning of shoot and everything, and I was a part of it. तो मुझे ऐसा लगता है एज मच एज दिस सॉन्ग इज ऑफ अनीता एंड पर्ल, इट्स माय सॉन्ग एज वेल, बिकॉज आई वाज देयर थ्रू आउट इन द प्लानिंग, लाइक यू नो आई नो इट. सो टुडे दे आर नॉट शूटिंग फॉर नागिन बिकॉज दे हैव टू शूट दिस सॉन्ग, एंड वेयर आर यू शूटिंग, वेयर आर यू वॉट. आपने बिल्कुल भी एक्टर से मना कर दिया था, इतने बिजी थे आप, सो बिजी. आई यार किशन.